नमस्कार। हम ग्रुप स्टडी, ग्रुप थ्योरी की स्टडी इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम सह समुच्चय पर चर्चा कर रहे थे। सह समुच्चय की कुछ प्रॉपर्टीज देखी अपन ने कि अगर जी अगर रूप है और एच इसका एक सब ग्रुप है तो एच एक्स हमारा सह समुच्चय होता है। एच 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 वाई ये इस तरह के जो सेट्स हैं ये सारे के सारे हमारे जी के एच के जी के अंदर सह समुच्चय कहलाते हैं। राइट कोसेट्स कहते हैं अपन इसको। अगर एक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट होता तो इसको अपन लेफ्ट कोसेट्स बोल लेते हैं। हमने प्रूव किया कि हर एक्स एच एक्स के अंदर होता है, ये अपन प्रूव कर चुके हैं। एच एक्स और एच के अंदर एक एक संगतता होती है, मीन्स दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट समान होते हैं। इफ इट इज फाइनाइट और इफ इट इज इनफाइनाइट देन देयर इज अ मैपिंग फ्रॉम एच एक्स टू एच व्हिच इज वन वन एंड ऑन टू। इसके अलावा ये भी प्रूव किया था कि जी इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ एच एक्स, जितने भी कोसेट्स हैं उन सबका यूनियन जी के बराबर होता है। ये भी प्रूव किया था कि दो कोसेट्स एच एक्स और एच वाई, अगर दो कोसेट्स हैं तब एच एक्स बराबर एच वाई होगा या फिर एच एक्स इंटरसेक्शन एच वाई इज इक्वल टू फाइव होगा, या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा और या फिर दोनों बराबर होंगे अगर एक भी एक एलिमेंट कॉमन है। तो ये थ्योरम भी अपन ने पिछले वीडियोज के अंदर प्रीवियस वीडियोज के अंदर अध्ययन कर चुके। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ग्रुप थ्योरी की है उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज द लैग्रांजेस थ्योरम से या लैग्रांज प्रमेय। लैग्रांज प्रमेय क्या कहती है कि पर किसी भी परिमित समूह का अगर कोई उपसमूह अपन कंसीडर करते हैं तो उस उपसमूह की कोटि का भाग समूह की कोटि में लगेगा, परिमित समूह की कोटि में समूह की कोटि में उपसमूह की कोटि का भाग रहते हैं। कुछ इस तरह की कि प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि की भाजक होती है, या कहेंगे द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप of a finite group is the divisor of the order of a group, कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है उसका भाग ग्रुप के ऑर्डर के अंदर पूरा पूरा लगेगा। तो इसको अपन लैग्रांजेस थ्योरम्स कहते हैं। चलिए अपन इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि जी एक ग्रुप है, माना जी एक समूह है और इसको भी अपन कह रहे हैं कि ये परिमित है। एच जी का उपसमूह है यदि एच बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट है या एच स्वयं जी ही है तब ऑर्डर ऑफ एच का भाग ऑर्डर ऑफ जी में लगेगा, और यदि एच जी का उचित उपसमूह है अब अपन ले रहे हैं कि जी एच का उचित उपसमूह है तब क्या लगेगा। देखिए अगर एच के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो एक का भाग ऑर्डर ऑफ जी में लगेगा क्योंकि एक का भाग सभी में लगता है, और एच अगर जी के ही बराबर है तो भी दोनों की कोटि एक होगी इसलिए दोनों का एच का भाग ऑर्डर ऑफ एच का भाग ऑर्डर ऑफ जी में लगेगा। अब हम मानते हैं कि एच जी का उचित उपसमूह है तो उस स्थिति में क्या रहेगी। हमें पता है कि जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एच एक्स जहां एक्स बिलोंग्स टू जी, ये होता है।
कि उपसमुच्चय समुच्चयों का जो संघ होता है, यूनियन है, वो जी के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं, माना एच जी वन, एच जी टू, एच जी के एच के जी में भिन्न भिन्न दक्षिण सह समुच्चय है। और इसमें ये और मान लेते हैं कि एच के जी में भिन्न भिन्न सभी दक्षिण सह समुच्चय है। यहां पर इसको और डाल देते हैं बीच में कि जितने भी राइट कोसेट्स है अलग अलग, वो सारी यही है। जैसे अपन ने कंसीडर किया था कि जी इज आवर जेड एंड एच इज आवर थ्री जेड, एग्जांपल लिया था अपन ने। तो यहाँ जो कोसेट्स बने थे, अपन ने देखा कि एच प्लस जीरो, एच प्लस वन, एच प्लस टू, ये तीन अलग अलग भिन्न भिन्न सह समुच्चय थे। इसके बाद के अंदर जो सह समुच्चय आए वो रिपीटेशन होना शुरू हो गया था। तो इस तरह के से बात कर रहे थे कि जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वो ये है, एच जी वन, एच जी टू, एच जी के, ये आपके एच के जी के अंदर राइट कोसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं। तो ऑब्वियसली जो जी सेट है, क्योंकि जी सभी सह समुच्चयों के संघ के बराबर होता है, इसलिए आप यह कह सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एच जी वन यूनियन ऑफ एच जी टू यूनियन ऑफ एच जी के। हमने यहाँ के सह समुच्चय लिए तो यूनियन ऑफ एच जी के बराबर होगा। और ये जो एच जी वन, एच जी टू, ये सारे के सारे भिन्न भिन्न है, मीन्स किसी भी एक कोसेट्स, कोई भी एक कोसेट्स में से कोई भी दूसरा कोसेट लें तो उनके अंदर एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो फाइव है, कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन। जहाँ आई और जे आपके इनमें से आ रहे हैं, वन टू और के, ये जो के अलग अलग नंबर थे जी वन जी टू जी थ्री, तो कोई भी दो सह समुच्चय लेते हैं उनके अंदर कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है और इन सब का यूनियन जी के बराबर है। तो स्पष्ट है, डिसिम्बलाइज ऑर्डर ऑफ जी बराबर मैं लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एच जी वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच जी टू, क्योंकि जी के अंदर अवयवों की संख्या, जितने अवयव इसमें प्लस जितने इसमें इतने इसमें, तो ऑर्डर ऑफ एच जी के। लेकिन एच जी वन, चूंकि एच जी वन एक संगतता रखता है एच के साथ में, या अपन कहें कि ऑर्डर ऑफ एच जी वन, एच जी वन में उतने ही अवयव हैं जितने एच के अंदर अवयव हैं। तो ये तो नंबर की बात कर रहे हैं कि जी में कितने एलिमेंट हैं। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच, ये कितनी बार लिखा मैंने, के टाइम्स लिख दिया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। तो ऑर्डर ऑफ एच का भाग ऑर्डर ऑफ जी के अंदर लग रहा है, और कितने पर लग रहा है, जी बार लग रहा है। तो यहां से रिजल्ट आ गया कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। कि इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, देन बाय द कोसेट थ्योरी, सह समुच्चयों के सिद्धांत के हिसाब से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उसके प्रत्येक उपसमूह की कोटि का भाग समूह की कोटि में लगेगा, प्रत्येक उपसमूह की कोटि का भाग समूह कोटि में लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम्स है, आगे अपने बहुत काम आएगी ये स्टडी में। चलिए इसे कुछ कोरोलरीज देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन पार्ट।
द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. परिमित ग्रुप के परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि भी समूह की कोटि की भाजक होती है. मतलब प्रत्येक उपसमूह की कोटि ही समूह कोटि की भाजक नहीं, प्रत्येक अवयव की कोटि भी समूह कोटि की भाजक होती है. तो मान लेते हैं, माना जी एक परिमित समूह है, नंबर ऑफ एलिमेंट जी में फाइनाइट है. ए कोई भी एक एलिमेंट उठाता हूं मैं कि ए बिलोंग्स टू जी, और ए अगर जी में है तो स्पष्ट है, अपन ये पहले कर चुके, एच ए जी का एक उपसमूह है. मतलब वो सारे के सारे जी के अवयव जो ए से जनरेट हो रहे हैं उनसे बनने वाला जो सेट है वो हमेशा जी का एक उपसमूह होता है, और ये एक चक्रीय समूह होता है, और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एच का मान ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है. तो एच जी का एक उपसमूह है. तो लैग्रैंज थ्योरम से क्या रहेगा अपने पास, लैग्रैंज प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच का भाग ऑर्डर ऑफ जी में लगता है, उपसमूह की कोटि का भाग समूह की कोटि में लगता है. तो उपसमूह की कोटि किसके बराबर है, अवयव की कोटि के बराबर है. ये जो उपसमूह एच है ये ए से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप है. तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, कि किसी भी परिमित समूह के अंदर जो जी की कोटि है उसके अंदर प्रत्येक अवयव की कोटि का भाग हमेशा लगेगा. तो ये नेक्स्ट लेते हैं, इफ जी इज फाइनाइट, ओके परिमित ले रहे हैं क्योंकि लैग्रैंज थ्योरम यूज करनी है, फाइनाइट ऑफ ऑर्डर एन, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए रेज्ड टू पावर एन बराबर ई. तो अभी हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए कोई भी अवयव है जी का. तो अभी हमने दिखा था कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और जी की कोटि अपन मान रहे हैं एन. तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन, यदि एन की ए की कोटि के है तब ये एन मेरा जो है एन जो है मेरा एम के बराबर होगा. यदि ए की कोटि के है इसका मतलब आप कह रहे हैं कि के डिवाइड्स एन, के का भाग एन में लग रहा है. के का भाग एन में तभी लग सकता है जब ये एन एम के टाइप का हो, और जब एन एम के टाइप का है तो इसका मतलब ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम के, और ए की कोटि अपने कहा था अभी के है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए की कोटि अपने मानिए के. इसका मतलब ए की कोटि अगर के है तो ए की पावर के का मान ई रहेगा, ई की पावर एम एंड दिस इज ई. तो यदि ग्रुप की कोटि समूह की कोटि एन है तो उस केस में ए एन का मान हमेशा और हमेशा ई रहेगा, ए जी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है. एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. नेक्स्ट
एप्लीकेशन देखिए अपन ले रहे एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। प्रत्येक अभाज्य कोटि का ग्रुप प्रत्येक अभाज्य कोटि का समूह सक्रिय होता है। मान लीजिए माना ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी है और पी को अपन कह रहे हैं पी एक प्राइम नंबर है अभाज्य नंबर है ऑर्डर ऑफ जी। मैं एक एलिमेंट कहता हूं ए माना ए इज नॉट इक्वल टू ई तथा आइडेंटिटी बराबर नहीं है तथा ए बिलोंग्स टू जी स्पष्ट है। एच बराबर ए जी का एक उपसमूह है क्योंकि अपने आप में एक समूह होता है और सारे ओरियो जी के होते हैं। इसके अंदर जो ए से जनरेट हो रहे हैं ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर ए की पावर माइनस वन ए की पावर माइनस टू इस तरह के एलिमेंट है इस सेट के अंदर। तो हम कह रहे हैं कि एच जी का उपसमूह है तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी होगा। और यहां पर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अब ऑर्डर ऑफ जी के अंदर ऑर्डर ऑफ एच का भाग लगता है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच एक है या ऑर्डर ऑफ एच पी है क्योंकि पी अपन ने माना है अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में भाग किसका लगता है या तो खुद का या एक का। तो ऑर्डर ऑफ एच बराबर एक ये संभव नहीं है नहीं है क्यों क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू ई। ये जो ए दिया है हमने माना है कि वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी कोटि एक होती है आइडेंटिटी के अलावा किसी भी ओरियो की कोटि एक नहीं होती। तो ऑर्डर ऑफ एच बराबर वन मीन्स ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ ए बराबर है। एच ए से जनरेट हो रहा है क्योंकि अपन प्रूव कर चुके कि समूह की कोटि और उसके जनरेटर की कोटि हमेशा बराबर होती है जनक की और समूह की कोटि बराबर होती है। ये लिख सकते हैं अपन तो ये संभव नहीं है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच बराबर पी है। तो ऑर्डर ऑफ एच इसका मतलब जी बराबर एच है जी के अंदर भी पी अवयव है और एच के अंदर भी पी अवयव है तो दोनों बराबर हो गए जी बराबर एच और एच क्या है आपका एच तो ए से जनरेट होने वाला ग्रुप है इट मींस जी इज इक्वल टू ए। तो कोई भी एक एलिमेंट अगर जी एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई भी एलिमेंट आप जी का उठा लीजिए वो उसका हमेशा जनरेटर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जी की कोटि अगर तीन है तो आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट है दो एलिमेंट होंगे दोनों के दोनों जी के जनक होंगे। जी की कोटि अगर पांच है तो आइडेंटिटी के अलावा आपके पास चार एलिमेंट होंगे और चारों के चारों ही जी के जनक होंगे जनरेटर होंगे। हर अवयव से जी के प्रत्येक अवयव को अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर समूह की कोटि प्राइम अभाज्य संख्या के अंदर है तो उस केस में जरूरी है कि वो समूह आपका एक चक्रीय समूह रहेगा क्योंकि अपन कह दिया कि तत्सम के अलावा कोई भी एलिमेंट है वो उस समूह का जनक होता है इसलिए वो चक्रीय समूह बन जाएगा।
A group of prime order has no proper subgroup. A group of prime order has no proper subgroup. ठीक है, अगर G का कोटि अभाज्य संख्या में है, ऑर्डर ऑफ G P है और H G का उपसमूह है, तब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ H का भाग ऑर्डर G में लगता है। और चूंकि ये G अपन मान रहे हैं कि ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है, दिस इज अभाज्य नंबर है ये, तो ऑर्डर ऑफ एच का भाग ऑर्डर ऑफ जी में लगता है, आपको पता है एच अगर जी का उपसमूह है। तो अब इस अभाज्य संख्या में इस अभाज्य इस संख्या का भाग लग रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है और पी हो सकता है, तभी आपका भाग पी में लगेगा। तो ऑर्डर ऑफ एच बराबर वन, अगर एच की कोटि एक है तो उस केस के अंदर, अगर ये केस ले ऑर्डर ऑफ एच बराबर वन मीन्स एच इज नथिंग बट द एक ही एलिमेंट कह रहे। और यदि केस सेकंड की बात करें ऑर्डर ऑफ एच बराबर पी, मतलब एच की कोटि और जी की कोटि बराबर है और एच जी का उपसमुच्चय है, दोनों में अवयव सेम होंगे, तो अपने पास आ जाएगा एच बराबर जी। तो दोनों ही स्थिति के अंदर एच प्रॉपर सबग्रुप नहीं है, कि अगर जी का कोई भी उपसमूह कंसिडर करते हैं तो वो सबग्रुप या तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सेट होगा या जी खुद वाला सेट होगा। तो कोई भी ग्रुप जिसके प्राइम ऑर्डर ऑर्डर है या उसकी कोटि अभाज्य संख्या में, उसका कोई भी उचित उपसमूह विद्यमान नहीं होता। एक डेफिनेशन सॉल्व लेते हैं अपन, जो अपने बार बार आगे काम आएगा। इंडेक्स, ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है अपने पास, इसको अपन इंडेक्स बोलते हैं। जितने भिन्न भिन्न सेट समुच्चय प्राप्त हो रहे हैं तो उनको अपन इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स इज ऑर्डर ऑफ, अभी अपन ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। अगर एच जी का उपसमूह है तो हमेशा इसका भाग इस क्वांटिटी में लगेगा, इस क्वांटिटी का भाग, तो ये के टाइम्स रहेगी। तो ये जो के जो नंबर है, दिस के, ये हमारा सूचकांक कहलाता है, सूचकांक या इंडेक्स कहलाता है। तो इन जनरल ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर एच इज इक्वल टू के, तो दिस के इज इंडेक्स। या अपन ये कहें कि जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वो जो नंबर आएगा, कि अगर तीन अलग अलग कोसेट्स बन रहे हैं तो तीन सूचकांक हो जाएगा, चार अलग अलग कोसेट्स बन रहे हैं तो चार सूचकांक रहेगा आपके समूह का। जी एक समूह है, माना जी एक समूह है तथा एच जी का उपसमूह है, तब ए बी बिलोंग्स टू एच जी के लिए एच ए बराबर एच बी है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत काम आएगी अपने, कि एच ए बराबर एच बी अगर दो कोसेट्स बराबर आ रहे हैं एच ए और एच बी, हम देखेंगे आगे कुछ ऐसे सब ग्रुप्स होंगे जहां कर्म न्यूनता लागू नहीं होती है और इस तरह के कोसेट्स बनेंगे कि एच एच बी के बराबर है। तो हम सामान्य लिए कह रहे हैं कि अगर एच एच बी के बराबर है तो ए बी इनवर्स एच में होगा, जहां ए और बी अपने जी के एलिमेंट है।
चलिए पहले ये मानते हैं, माना एच ए बराबर है एच बी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एच ए बी इनवर्स बराबर एच बी बी इनवर्स, एंड ये बन जाएगा मेरा एच ई, एंड दिस इज नथिंग बट द एच। तो अगर एच ए बराबर एच बी है तो उस केस के अंदर मेरे पास रिजल्ट आ गया एच ए बी इनवर्स बराबर एच। मतलब ये सेट एच ए बराबर एच बी पर अपने पास आया कि एच ए बी इनवर्स बराबर एच प्राप्त हो गया। ये समुच्चय इस समुच्चय के बराबर है, परंतु हमें पता है, हम जानते हैं कि x हमेशा hx में होता है, फॉर ऑल x belongs to g। तो इस एच ए बी इनवर्स के अंदर ये जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स आपका, ये इसमें रहेगा, ये एलिमेंट इस सेट में रहेगा, दिस इज आवर एक्स नाउ। तो ए बी इनवर्स अगर इसमें है, ये तो ये चीज है, और ये सेट एच के बराबर है, अपन लिखा है कि ये और ये सेट बराबर है, तो एच ए बी इनवर्स और एच तो बराबर है, इसलिए ए बी इनवर्स एच में आ गया। तो यही अपन को प्रूव करना था कि एच ए बराबर एच बी है तो उस स्थिति में ए बी इनवर्स एच के बराबर हो। विलोम मान के चलते हैं, विलोम पे माना ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, परंतु मेरे को पता है ए बी इनवर्स इसमें भी होता है, एक्स हमेशा एच एक्स में होता है। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है जो इस कोसेट्स में भी है, ये एलिमेंट इस कोसेट्स में भी है, तो दो सह समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं अथवा असंयुक्त होते हैं। तो ये असंयुक्त तो रहे नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट ए बी इनवर्स जो है वो इसमें भी है और ये एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब एच बराबर एच ए बी इनवर्स। ये अपन को प्रूव करना था कि यदि ए बी इनवर्स एच में है तो एच ए एच ए बराबर एच बी इनवर्स, सॉरी एच ए बराबर एच बी इनवर्स प्रूव हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच बी एच ए बी इनवर्स, और बी ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, तो ये आ गया एच बी बराबर एच ए ई एंड बराबर एच ए। तो एच बी बराबर एच ए प्रूव कर लिया आपने, कब, अगर ए बी इनवर्स एच में है, यही अपन को प्रूव करना था। तो यदि एच ए एच बी के बराबर है तब आपका ए बी इनवर्स एच में होगा, और अगर ए बी इनवर्स एच में है तो एच ए एच बी के बराबर रहेगा। धन्यवाद।